ओम श्री गुरुभ्यो नमः, ओम श्री भवानी शंकराय नमः, ओम श्री मात्रे नमः। नमस्कार। हम कई तरह के डोनेशंस करते हैं, अन्नदान, वस्त्रदान और कुछ ना कुछ, बहुत कोई तरीके हैं दान करने के। लेकिन एक ऑर्गन डोनेट भी करते हैं हम, यहाँ तक तो हम आए हैं। लेकिन इससे भी आगे जाके एक डोनेशन है, और वो कैंसर पेशेंट्स के लिए कितने महत्वपूर्ण है ये आपको ये वीडियो बताएगा। और इसमें अपना कोई भी नुकसान नहीं होता है, बल्कि आपके एक दान से तीन तीन पेशेंट को लाभ मिलता है। तो सुनिए और गौर कीजिए इस दान का, इस दान के बारे में गौर कीजिए, और अपने से हो सके तो कीजिए, ज़रूर कीजिए। देखिए ये वीडियो, देखिए। ये मुंबई शहर है, कितने सारे इंसान यहाँ चढ़ावे के लिए कहां कहां से ऊपर वाले को ढूंढते हैं। इन्हीं जगहों में छुपा है एक बहुत ही खास मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, जो कहना ही कहिए, यह है टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल। यह कैंसर की बीमारी के साथ जूझने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण गढ़ है, अ फोर्ट्रेस। यहां हर साल 60,000 रजिस्ट्रेशंस होते हैं, इनमें से 3,000 रजिस्ट्रेशंस तो सिर्फ बच्चों के हैं जिन्हें कर्क रोग हो गया, कैंसर हो गया। भारत भर में कैंसर हॉस्पिटलों की बहुत कमी है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण से सारे चले आते हैं यहां मुंबई में टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल। मरीजों की लंबी लंबी कतारें, लाइन लगी हुई है यहां। कैंसर की बीमारी के इलाज में जो कीमोथेरेपी होती है, उसमें अच्छी पेशियां, रक्त की पेशियां, कैंसर की पेशियों के साथ डिस्ट्रॉय हो जाती है। ये रक्त जो हमारे शरीर में दौड़ता है, उसके अंदर होते हैं प्लेटलेट्स। जब आपको कोई खरोच लगती है और खून बहना शुरू होता है, तब इस बहते नल को बंद करने के लिए प्लेटलेट्स काम आते हैं। कैंसर के इलाज में प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं और अक्सर जान को खतरा होता है, इसीलिए कैंसर के मरीज को प्लेटलेट्स की जरूरत हमेशा पड़ती है, और ये जरूरत कोई भी आम आदमी पूरी कर सकता है। ऐसे ऐसे प्लेटलेट्स देने वाले, मरीजों को जीवन दान देने वाले लोग हैं जिन्हें हम सुपरमैन ही कह सकते हैं। यह है श्री अरुण केजरीवाल, इन्होंने 162 बार अपने प्लेटलेट्स का दान किया है। यह संजय बापट जी 236 बार, आसपी मकूना 238 बार, और सानिया भोबे, इन्होंने 47 मरतबा प्लेटलेट्स का दान किया है। अभी अभी जुड़ गई है, लेकिन देखिए वंडर वुमन। प्लेटलेट डोनेशन का तरीका बहुत आसान है, आपके शरीर से रक्त को लेकर उसमें से प्लेटलेट्स निकालकर और थोड़ा सा प्लाज्मा निकालकर आपके रक्त को यानी ब्लड को आपके शरीर में वापस भेज दिया जाता है। कोई भी हट्टा खट्टा इंसान हर 15 दिन अपने प्लेटलेट्स का दान कर सकता है। तो मैंने मेरे दोस्तों को इसमें डोनेशन के लिए मोटिवेट किया, और आज मेरे कई दोस्त एक प्लेटलेट डोनर बन के टाटा हॉस्पिटल में आते हैं। The grace of God, now almost 160 donors have joined me in this moment, and they've been donating regularly. Every time I come over here, donate platelets, and walk away with the satisfaction that God has given me this healthy body, a feeling of gratitude to be of help to someone. You're giving them a chance to live more. Not many donors are there, so when you donate, you become special. It's so easy to become special. करके देखूं अच्छा लगता है। मुझे तो लगा है आपको भी लगेगा।
इंसान ऊपर वाले को ढूंढता तो है, लेकिन ऊपर वाले की शक्ति है इंसान के हाथ में। आपका एक डोनेशन तीन तीन जाने बचा सकता है, यही तो है चमत्कार ऊपर वाले का इंसान के हाथ से। तो क्यों रुके हैं? अपना बड़ा मुंबई का दिल लेके आइए और प्लेटलेट्स का दान कीजिए। एक इंसान देगा तीन तीन जान। आइए टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल आइए।